जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी कमर चीमा और साजिद तरार पाकिस्तान की हुकूमत को कोसने लग गए, क्योंकि अभी IMF से और बलोचिस्तान से जो झटका लगने वाला है, बलोचिस्तान से जो झटका लगा है, लग चुका है। पाक आर्मी में सैनिकों को मार दिया गया है और बहुत ही बुरे तरीके से उनकी छावनी को ध्वस्त कर दिया बलोच लिबरेशन आर्मी ने। दूसरी तरफ जो IMF से अभी लोन आने वाला है, वो कैसे बंदरबांट होने वाली है पाकिस्तान में, क्योंकि ये खुद बुद्धिजीवी अब प्रेडिक्शन लगाने लग गए हैं कि पाकिस्तान में जो IMF से लोन आएगा वो आते ही बाहर निकलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की हुकूमतें आज तक पाकिस्तान की आवाम के लिए कभी नहीं सोच पाई है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आने वाले पैसे का सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग होगा जो IMF लोन देगा। और तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एक तो यह है कि पाकिस्तान को $1 बिलियन जो मिला है IMF से, तो पाकिस्तान के सारे मिनिस्टर्स उसको इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस तरह पता नहीं ये कोई बहुत बड़ी रकम है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है उनमें इतनी जरूरत है पैसों की कि हमारे लिए $1 अरब की भी बड़ी वैल्यू है। और दूसरा, जो बलूचिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि वहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है, और दो बड़ी तंजीमें हैं, एक बलोच नेशनलिस्ट आर्मी है और एक जो बसर जो 4-5 दहशतगर्द जमातों का बलोच जो नेशनलिस्ट जो थे उनका एक ग्रुप है, उसने बार बार हमले किए हैं और वो ट्विटर पे बड़े पैगाम जारी कर रहा है। और तीसरा, इमरान खान साहब चाइना पहुँच गए हैं, इस हवाले से बात करनी है। तारण साहब, सबसे पहले आपसे बात करनी है कि ये $1 बिलियन जो है इसकी क्या रेलिवेंस है? क्या इसकी $1 बिलियन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हो रही है, या और लोन्स हम लेना चाहते हैं या उसकी बात हो रही है? आप इसको किस तरह देखते हैं? और खासकर जो हमारे फवाद चौधरी साहब और जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो ट्वीट्स हैं वो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही हैं बहुत ज्यादा, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? चीमा साहब, मेरी नजर में पाकिस्तान को IMF के पैकेज की जरूरत नहीं थी और ना ही बाहर से और मजीद पैसों की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से पैसा ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, जिस तरीके से आपकी रूलिंग एलीट उस पैसे को लेके बाहर भाग रही है, जब तक वो ना रोकेंगे, आप चाहे $10 बिलियन ले लें कहीं से, वो बेसूद है। ये आपका 21वां 22वां IMF का प्रोग्राम है, और इसका असर किस पे पड़ेगा मैं अभी बता देता हूँ आपको कि ये पैसा तो बाहर जाएगा, ये बिल्कुल आपकी रूलिंग एलीट का कोई 1000-2000 बंदा है, उनकी प्रॉपर्टियां बच्चों की तालीम पे खर्च होगा। अब इसका जो IMF का पैकेज है ये किस तरह आएगा, इसकी अभी पहली किस्त है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुझे खुद अफसोस हुआ कि लोगों ने इस्तेमाल लफज किया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पैसे मिल गए हैं, कर्जा कौम के ऊपर आपकी खुद मुख्तारी सारी आपने गिरवी रख दी है और उस पर आप शुक्र अदा कर रहे हैं। एक तो आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है बिल्कुल। अब मैं ये कहूंगा जो IMF के पैकेजेस का हिस्सा है वो क्या चीजें हैं। वो सबसे पहले आपको कहते हैं कि अपनी इंपोर्ट बंद करें, इंपोर्ट आप बंद नहीं कर रहे, BMW और प्राडो आपकी जरूरत है वो आप बंद नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि टैक्स कलेक्शन आप बढ़ाएं, अपनी टैक्स कलेक्ट किन से करेंगे, वजीर और वजीरों के रिश्तेदार तो नहीं देंगे, वो कौन देंगे, जो लोग बेचारे मजबूर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे फार्मर हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, और दूसरा मुलाजम पेशा लोगों से तो टैक्स पैसे ही उनकी तनख्वाहों से ले लिया जाता है। अब वो जब होगा, जब टैक्स बढ़ेगा, एक छोटी सी मिसाल ये दूंगा, आजकल जिस तरह यूरिया नहीं मिल रहा आजकल, उसके पीछे भी आपके टैक्सेशन का सुना है के एक अमल दखल है, आपका डॉलर ₹200 पे जाएगा क्योंकि आपने मनी चेंजर्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। और फिर वो करते क्या है, उन्होंने कंज्यूमर को पास ऑन करना है। जिस तरह इस वक्त यूरिया क्राइसिस चल रहे हैं, इसके बाद क्या होगा, गंदम की आपकी फसल ठीक नहीं होगी और आपकी रोटी 30-50 रुपए हो जाएगी, तो एक और महंगाई का एक तूफान आने वाला है पाकिस्तान पे इस IMF के। और दूसरा याद ये कराना चाहूंगा, इस IMF का ये पहला पैकेज है, इस पैकेज का हिस्सा है कि आपने हर महीने बिजली और पेट्रोल के पैसे बढ़ाने हैं आपने, ये आपका IMF। अभी आपने इनसे $3 बिलियन लेना है, $1 बिलियन प्रूव हुआ रात को, $2 बिलियन अभी और लेना है। आपने अपनी अवाम का खून चूसना है तो $2 बिलियन और मिलेंगे। तो ये IMF और पैसा पाकिस्तान के अंदर कम नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। आप कभी भी इस्लामाबाद या लाहौर निकल के देखें, प्राडो देखें आप कितनी है, आप लोग देखें कि शादियों पे किस तरह पैसा उड़ाते हैं लोग, मेरा किस तरह शॉपिंग अभी कर रहे हैं बाहर लोग, रेस्टोरेंटों के ऊपर खाना किस तरह खाते हैं, ये सारे इंडिकेटर्स हैं
कि पैसे की इस तरह कमी नहीं है कि आप, मेरा मकसद आपको दर बदर जाके निकल के, तो जिस तरह आप कजाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं, जिस तरह आप रशिया से ले रहे हैं, टोटल आपका $5 बिलियन कर्जा लेने का प्रोग्राम है शॉर्ट टर्म पे। करप्शन आप रोक नहीं रहे, लीकेज आप रोक नहीं रहे, ब्लीडिंग आप रोक नहीं रहे, तो पैसा ये 5 बिलियन से आप 50 बिलियन भी डॉलर ले आए तो वो जाएगा दुबई और लंदन और कनाडा, उसका क्या फायदा। तो मैं बिल्कुल, ये मेरी ओपिनियन यही है कि सबसे पहले जो आपकी जो इंसाफ की तहरीक है वही फेल हो रही है। आपकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अपोजिशन के लिए है, आपकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक आम पाकिस्तानी के लिए है। जब तक आप अपना जुडिशियल सिस्टम, सजा जजा के सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो ये बाहर के पैकेजेस आपको क्या करेंगे, कोई इसका बेसूद है। ये आप पहले अपना लोकल, सब मैं ये फिर बार बार कहता हूँ, लोकल फाइनेंस मिनिस्टर पहले को ढूंढे। आपने वर्ल्ड बैंक और IMF के मुलाजम रख लेते हैं आप, वो जो सिर्फ अमरीका के इंटरेस्ट को देखते हैं, वो पाकिस्तानी अवाम को उनके बारे में क्या पता है। इस वक्त शौकत तरीन साहब को क्या पता है, अगर सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं तो मेरा चैलेंज है 20,000 रुपए वाले तनखा का उसका महीने का घर का बजट बना के दे, मैं तब देखूंगा उनकी अचीवमेंट है कोई। तो वरना सारा दिन नंबर ब्लूमबर्ग के बताने, सारा दिन लोगों को यहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरियां सुनानी, ये बेफजूल है, लोगों को एक टोपी ड्रामा है। दरअसल ये बताइएगा कि इमरान खान साहब तो कहा करते थे, इस सवाल का एक और पॉइंट ऐड कर लें, इमरान खान साहब कहा करते थे मैं खुदकशी कर लूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, मैं IMF नहीं जाऊंगा, और ये जो है वो, ये जो बाकी लोग IMF जाते हैं ये बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, IMF मुल्क का खून चूसता है। तरड़ साहब, क्या हमारे सियासतदान हमें बेवकूफ बनाते हैं कि वो जब इस तरह के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, हम IMF नहीं जाएंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे, और ये जो इन्होंने जो है वो जो बाउल पकड़ा हुआ है, मांगने वाला बाउल पकड़ा हुआ है और दुनिया के सामने जो मांग रहे हैं, ये क्या उस वक्त सिर्फ नारे हुकूमत में आने के लिए थे, या आप समझते हैं कि इमरान खान को वाकई पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन का अंदाजा नहीं था? क्योंकि कहने को तो ये है कि जैसे ही उन्होंने हुकूमत संभाली थी, अगले 6 महीनों में उनकी पार्टी के अंदर यही लड़ाइयां होती रही, IMF जाना कि नहीं जाना, तो सियासत करते रहे या इनको पता ही नहीं था कि ये हालात हैं? इनको आप सिर्फ ना सिर्फ ये IMF का, इनके और भी कई इधर देखें, इनके जो इनके डिसीजन है, इन्होंने आज तक अभी हर तकरीर में कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। NRO तो इन्होंने नवाज शरीफ को दिया, वो डील के जरिए गया। असद उमर साहब ने खुद इस चीज का उन्होंने बताया एक मीटिंग इंटरव्यू में कि इमरान खान साहब की मर्जी के साथ नवाज शरीफ साहब बाहर गए। दूसरा, एक दुनिया को भी कहते हैं मैं जरदारी को NRO नहीं दूंगा, वो सिंध एक सबसे बड़ा सूबा है, कराची एक सबसे बड़ा शहर है, वो उस पर हुकूमत कर रहे हैं, वो NRO नहीं तो और क्या है। तो ये सिर्फ एक लोगों को बेवकूफ बनाने, और मैं खासकर आपके देखने वालों को कहूंगा कि अगर आपने पाकिस्तान की सियासत को या एक हाइब्रिड सिस्टम को समझना है तो जो अभी अगले दिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो तरमीमी बिल था, जरा उसको देखें किस टेक्निकल तरीके से, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तरीके से, किस तरीके से वो अप्रूव कराया गया। वहां पे अपोजिशन की जो है वो मेजॉरिटी है, लेकिन जिस तरीके देखें, उससे पहले अगर देखें तो वहां पे हमारे आजम नसीर ताड़ साहब ने पहले बनना था क्योंकि वहां पे एक्सरियर नून लीग की थी, किस तरीके से मैनिपुलेट करके वहां पे गिलानी साहब बने, और किस टेक्निकल तरीके से गिलानी साहब उस दिन वहां पे आए नहीं, और उसके बाद देखें वो अच्छा बनने के लिए उन्होंने रिजाइन दिया, रिजाइन भी उन्होंने अपनी पार्टी को भिजवा दिया। देखें क्या ड्रामा है। मैंने उसके दूसरे दिन बिल्कुल कहा था कि किसी भी बंदे को अगर पाकिस्तान के सिस्टम को समझना हो तो इस बिल की कार्रवाई को और इसके आसपास जो अवामिल हैं उनको देख ले, तो पूरा सिस्टम आपका नंगा हो जाता है सारे का सारा। तो तरड़ साहब, इसमें फिर ये बताएं कि क्या ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, ऑपोजिशन जो है उन्होंने जब बिल पास करवाना होता है वैसे वो तकरीरें करते हैं, हम हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, जब बिल पास करवाना होता है तो वो सेनेट से एब्सेंट हो जाते हैं। तो क्या इनके खिलाफ कोई इस तरह के केसेस हैं, इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ये तो ये फिर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, बाहर मीडिया पे जा कहते हैं हम इमरान खान की अकाउंटेबिलिटी करेंगे, जिस दिन आपको वाकई उस दिन, जिस दिन पाकिस्तान की फाइनेंशियल सॉवरेनिटी की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और लीगली पाकिस्तान जो है वो IMF के जाल और शिकंजे में आ जाता है, उस दिन ये पार्लियामेंट से एब्सेंट हो जाते हैं, तो क्या हुकूमत और अपोजिशन ये सारा फिक्स मैच है, ये हमें बताया जाता है अवाम को, आम इंसान को, आम आदमी के लिए प्रॉब्लम है, या कि ये वाकई आप समझते हैं फिक्स मैच है? मैंने इससे पहले आपको बता दिया था कि आपका हाइब्रिड सिस्टम निजाम, जो हाइब्रिड निजाम है वो नंगा होता है, उस दिन नंगा हुआ है में। अब उसमें देखें, इससे भी मजीद अगर देखा जाए तो आप बाहर इन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर कापियां फाड़ी,
गद्दार गद्दार नारे लगाए, कपड़े इन्होंने एक दूसरे के फाड़े, लेकिन उसके बाद इकट्ठे होकर वोट दिया। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, पाकिस्तान में ये सियासी पार्टियां नहीं है, इनके अंदर सियासी सिस्टम कोई नहीं है। इमरान खान साहब पहले हमेशा कहते थे कि जी देखें बिलावल भुट्टो का हक नहीं बनता, ये कहते थे नवाज शरीफ अपनी फैमिली को सारा कुछ पेट्रनाइज करता है, अपने सारे ओहदे अपनी फैमिली को दिए। खान साहब ने अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन ही नहीं कराया अभी तक, काफी अरसे से रुका हुआ है। तो और दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये सियासत इसको नहीं कहा जाता, ये करप्शन का एक अलायंस है और इसमें हर इंसान एक दूसरे का रिश्तेदार है, हर इंसान इस अवाम में सब नंगे हैं, ये सियासी अवामिल नहीं है। मैं इसको एक एक एक, एक हजूम कहूंगा, इनका इतिहाद है सिर्फ करप्शन के लिए। अरे तरण साहब, ये एक पिछले 15 साल में हमने एक बड़ा क्रेडिट लिया और चीज़ें बहुत बेहतर हुई पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग में, लेकिन अभी ये जो अफगानिस्तान में तब्दीलियाँ आई हैं उसके बाद हम देखते हैं कि जो बलूचिस्तान में मामलात ख़राब हुए हैं। एक तरफ तो हमने बाढ़ भी लगा ली, दूसरा ये है कि बाढ़ लगाने से हमें यह था कि वो दहशतगर्दी रुक जाएगी, लेकिन वो ऐसे पता चल रहा है कि ये हम जो है वो बाढ़ पे डिपेंडेंट नहीं है, जो दहशतगर्द हैं उनको ना इस चीज़ की परवाह है कि बाढ़ लगी है कि नहीं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या वो तालिबान तारण साहब जिनके ऊपर हमने इतना बैंक किया, उनके ऊपर रिलाय किया, उनसे हमने नारे मारे इस्लामाबाद में पाकिस्तान में, बड़े हम खुश थे कि जनाब वो क्या हुआ, और इमरान खान साहब ने तो आपको पता है कहा था, और इससे अमेरिका और हमारे जो वेस्टर्न इत्तेहादी बड़े नाराज़ हुए जब उन्होंने कहा कि तालिबान ने जो है वो जुल्म की और वो जंजीरें जो है वो तोड़ दी हैं और वो आज़ाद हो गए हैं आज। तो ये वो लोग जो हम पे हमले कर रहे हैं वो तो अफगानिस्तान में बैठे हैं तारण साहब, अभी तो अमेरिका भी नहीं है जिसको हम क्रिटिसाइज कर सकें, अभी तो वहाँ रॉ भी उस तरह मौजूद नहीं है जिस तरह हम उसको गो के ISPR ने ये कहा है कि वहाँ रॉ और जो है अफगानिस्तान में लोग मौजूद हैं। लेकिन तारण साहब इसका क्या सलूशन है कि अफगानिस्तान में TT भी बैठी हुई है, बलोचों की फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, और बलोचिस्तान में जब उनका दिल करता है हमला कर देते हैं। क्या हमारा सिक्योरिटी गार्ड लोअर हो गया, या आप समझते हैं कि हम अफगानिस्तान में तालिबान के आने की वजह से ज्यादा खुश थे, जो हमें जो है वो खुशी रास नहीं आई, क्या हुआ सर? ये आज का सिलसिला नहीं, आपने अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से अफगानिस्तान को निकाला है। मैं उसको हिस्ट्री में थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा, जब अमेरिका वहां से इनखलाक कर रहा था तो आखिरी दिनों में वहां पे काबुल के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और सिस्टम को चलाने के लिए जिन कंट्रीज में देखा जा रहा था, पाकिस्तान का नाम वहां भी मौजूद नहीं था, वहां भी टर्की और कतर का नाम लिया जा रहा था। पाकिस्तान पे तालिबान भी एतमाद नहीं, और मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगा कि तालिबान मुख्तलिफ ग्रुपों का नाम है, तालिबान एक पार्टी का नाम नहीं है, और पूरे तालिबान के स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक आपको सिर्फ एक पार्टी की हमायत हासिल है, हकानी ब्रदरान के बस। अगर हकानी ब्रदरान स्ट्रांग है तो आपका कुछ सुन लेता है, अगर उनकी नहीं सुनता तो आपकी कोई नहीं सुनता, ये आपकी सूरत हाल है। इस वक्त ईरान, कतर और भारत आपसे ज़्यादा आगे।